नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है ब्रह्म कुमारी और क्या है राजयोग। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह अपने अध्यात्म के जरिए लोगों में परिवर्तन लाता है। इस संस्था की स्थापना सन 1937 में दादा लेखराज कृपालनी ने की थी। इन्हें संस्था में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप से जाना जाता है। हीरो के व्यापारी दादा लेखराज बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब उनकी 60 वर्ष की आयु हुई तो उन्हें अध्यात्म का एहसास हुआ, तभी उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। शुरुआत में इस संस्था में केवल महिलाएं हुआ करती थी जिन्हें ब्रह्म कुमारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस संस्था में पुरुष भी आने लगे। यह एकमात्र ऐसी सबसे बड़ी संस्था है जिसे महिलाएं चलाती हैं। इसके सारे ही उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान हैं, जो अपने बंधुओं अपने भाइयों के मदद से इस संस्था को संचालित करती हैं। इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के माउंट आबू में स्थित है। इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय लंदन, मॉस्को, नॉर्वे और इटली में मौजूद है। आज इस संस्था के 137 देशों में 8,500 से ज्यादा कार्यालय है, जिसमें रोजाना 10 लाख से अधिक शिक्षार्थी अध्यात्म की शिक्षा लेते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिरकार राजयोग क्या है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे मन में अशांति आ जाती है, तनाव से हमारी जिंदगी भर जाती है, बहुत सारा लालच हमारे मन में भर जाता है। तो दोस्तों, राजयोग के जरिए आप इससे अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन को हरा भरा कर सकते हैं। राजयोग मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें आप अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ही कमजोरियों को दूर करते हैं। इसे करने के लिए आपको एक शांत सी जगह ढूंढनी होगी। इसके लिए आपको आंख बंद नहीं करनी होती। खुली आंखों से आपको अपने मन के अंदर अपने शरीर के अंदर झांकना होता है और उसका रियलाइजेशन करना होता है। राजयोग एक प्रकार का योग है जिसे करने के लिए आपको किसी भी मंत्र की किसी भी धार्मिक चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे आप एकांत में जाकर अकेले में बैठकर कर सकते हैं, जिससे आपको आपके अंदर चल रही चीजों के बारे में पता चलेगा। इसके जरिए आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। राजयोग आपको नेगेटिविटी से बहुत दूर ले जाता है और आपके जीवन को एकदम बदल देता है। जैसे ही आपके जीवन से तनाव दूर होने लगता है तो जो आपको सफलता मिली है आपको उसका एहसास होने लगता है। आपके जीवन में जो शून्यता आ गई है उससे आप दूर होने लगते हैं। आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है। आपको परिवार के साथ में समय बिताने में अच्छा लगता है, अकेलापन दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने राजयोग और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के बारे में बात की। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।